सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। बिहार के मुजफ्फरपुर में 500 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। पताई हवाई अड्डा मैदान में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा इस हॉस्पिटल को 15 दिनों में तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोविड केयर हॉस्पिटल 30 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है, जिसके अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 8000 स्क्वायर फीट जमीन में इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 500 बेड क्षमता रखने वाले कोविड केयर अस्पताल में 125 बेड आईसीयू और 375 बेड आइसोलेशन बेंच के तौर पर होगा। यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से एयर कंडीशन होगा और इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सभी आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। DRDO द्वारा निर्माण कराए जा रहे इस विशेष कोविड केयर हॉस्पिटल में चिकित्सकों और नर्सों की तैनाती भी DRDO की ओर से ही किया जाएगा। आपको बता दें कि पताही हवाई अड्डा मैदान में अस्पताल के अलावा दूसरे घर भी बनाए जा रहे हैं। इनमें कोविड हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होगी। पूरी तरीके से वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन विशेष अस्पताल के दो हिस्सों में, एक में आइसोलेशन में जाने वाले पुराने सन के मरीज होंगे, वहीं दूसरी तरफ आईसीयू में भर्ती मरीजों और वेंटिलेटर के अलावा सभी अत्याधुनिक उपकरण केस लगे होंगे। यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अलग से पाइपलाइन दी गई है। हॉस्पिटल की छत को पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया गया है। 185x40 मीटर लंबाई वाले कोविड केयर हॉस्पिटल में अग्निशमन सिलेंडर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे इस अस्थायी कोर्ट के एक अस्पताल के निर्माण में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। पताही हवाई अड्डा मैदान में सड़कों के निर्माण के साथ साथ प्रशासन शौचालय और किनारों का विनिर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा आसपास हुए जलजमाव के निकासी के लिए संबंधित विभाग के अभियंताओं को यानी इंजीनियर्स को टास्क सौंपा गया है। मुजफ्फरपुर में हर दिन औसतन 100 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। फिलहाल जिले में 1200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। SKMCH के अलावा तुर्की स्थित मेडिकल कॉलेज में भी कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।